वापस भी आ जाता था कुछ देर के बाद या दो दिन के बाद, लेकिन फिर बोलता नहीं था। वो यही कहते हैं, हम तो खेलने कूदने गए थे। लोग आदि हो जाते हैं सेंसरशिप के। आजकल तो ये है कि जिसे प्रेस एडवाइस कहते हैं, जबानी या तहरीरी, ज़्यादातर जबानी, वो कही जाती है कि ये फला चीज़ मत छाया करें, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी और ज़बरदस्ती की बात है। उसका कोई जवाज़ नहीं है, कोई लॉ नहीं है उसका। लॉ अगर बनाया जाए तो उसके बाद देखा जा सकता है, लेकिन कोई लॉ नहीं है। लोग डर के मारे मान लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उनको नुकसान हो सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि लोग आदी हो जाते हैं सेंसरशिप के, और वो खुद ही सेल्फ सेंसर करने लगते हैं। जो हसास इदारे हैं, सो कॉल्ड कहते ना सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में ज़्यादा एहतियात की जाए। हमारे आईन में लिखा हुआ है कि अगर अदलिया को और फौज को कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाए तो वो उसके इजाजत नहीं है। इदारे ऐसे बन गए हैं, जैसे पैमरा है, वो एक्शन ले सकता है, उसके वाले वाइड पावर्स हैं उसकी। रियासत के पास उसको मीडिया को पनिश करने के लिए कानूनी और गैर कानूनी ज़राए बहुत हैं। टीवी चैनल्स हैं, वो ड्यूरिंग प्रोग्राम सेंसर हो जाता है, और आदमी तो है मौजूद, उसके लब भी हिल रहे हैं लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही, तो आप समझ लीजिए कि वो उसका उसका वो हिस्सा जो है वो सेंसर हो गया। जो भी उनकी बात नहीं मानते या उनको ख्याल होता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट कर देंगे जो उनके हक में नहीं होगी, तो उठा लेते हैं। और अब ज़रा मुश्किल हो गया रखना, क्योंकि अभी दो तीन वाक़ात में हाल में ये हुए हैं कि उठाया तो है लेकिन जल्दी वापस करना पड़ा। पब्लिक बहुत इस बारे में सेंसिटिव हो गई है, और दो केसेस में तो हुकूमत ने भी फौरन नोटिस लिया, मतीउल्लाह जान के केस में, और एक और दूसरा केस था अली इमरान का, किसका था, जिसमें हुकूमत ने फौरन कहा कि नहीं ऐसा ना किया जाए। वरना पहले तो बंदा गायब हो जाता था और वापस भी आ जाता था कुछ देर के बाद या दो दिन के बाद, लेकिन फिर बोलता नहीं था। लेकिन ये तब्दीली आ गई है कि पहले ज़माने में जो बुरा ज़माना था, अगर किसी से गलती होती तो उसका मुकदमा बनता था, मुकदमा बनेगा, गिरफ्तार कर ले आप, अदालत में जाएगा। अब ये नहीं होता, और फिर उसके साथ जो होता है वो बताते नहीं हैं। वो यही कहते हैं, हम तो खेलने कूदने गए थे। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हम कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उसमें मजहबी जमातें हैं, उसमें गैंग्स हैं, उसमें डाकू भी हैं, यानी मुजरिम जो हैं वो भी आपको थ्रेटन कर सकते हैं कि आपने खबर छापी तो ऐसा कर देंगे। या जो स्मगलर्स होते हैं, बड़ा ड्रग डीलर्स होते हैं, जैसे हुए पाकिस्तान में केसेस कि उन्होंने फ़ोन कर दिया अखबार को कि अगर आपने हमारी खबर छापी तो आप बुरा होगा, वगैरह वगैरह, और अखबार छप डर जाता है बेचारा, अखबार के पास तो कोई तहफ़ नहीं है। नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी उसको जो धमकियाँ मिलती हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, जैसे कि स्टेट की धमकी जो है वो सब आदमी सोचता है कुछ ना कुछ कानून होगा, कुछ मदावा कर सकते हैं, अदालत जा सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ तो अदालत में भी जा सकते हैं आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे ज़्यादा ज़्यादा। आमतौर पर जो मालिकान हैं वो वर्कर को छोड़ देते हैं, अबर्डन कर देते हैं। कुछ मालिकान हैं जो अपने वर्कर के साथ खड़े होते हैं, मगर सारा मसला ये है कि अगर कानूनी स्टेप लिया जाए तो उसमें वर्कर भी खड़ा हो सकता है, मालिकान भी खड़े हो सकते हैं। जो गैर कानूनी उसमें तो कुछ मसला ही नहीं है। सारे काम अगर गैर कानूनी हैं तो क्या स्टेप लेंगे, क्या नहीं करेंगे।